हेलो फ्रेंड, जुम्मन टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे काफ़ी एमएस वर्ड में किस तरह हेल्प मेन्यू फाइंड और रिप्लेस का यूज कर सकते थे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। फाइंड को यूज़ करने से पहले थोड़ी फाइंड के बारे में जान लेते हैं। जब मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है हमारे सामने, तो हमें इस डॉक्यूमेंट के बारे में जानना है कि इस डॉक्यूमेंट में हमें एक पार्टिकुलर वर्ड है, वो वर्ड कहाँ कहाँ पे लिखा है या फिर हमें उसको रिप्लेस करना है। उसको देखने के लिए हमें इस वर्ड को कहाँ कहाँ लिखा है, उसके लिए हम यहाँ पे कोई भी वर्ड लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा है मोतीलाल, तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। आप कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए, उसके बाद आपको कंट्रोल एफ दबानी। कंट्रोल एफ जो है यूनिवर्सल शॉर्टकट की है फाइंड की। आप इसको किसी भी वेब ब्राउजर में भी यूज कर सकते हैं और एमएस वर्ड के किसी भी वर्जन में भी यूज करते हैं। लगभग सब में सेम तरीके से काम करता है। तो कंट्रोल एफ आपको दबाना है। हालांकि जो ऑफिस के पुराने वाले वर्जन है उसमें थोड़ी सी दूसरे तरीके से आती थी, मतलब कि फाइंड वाला ऑप्शन, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ नहीं आता था। लेकिन ऑफिस 2013 के बाद से इन्होंने इम्प्रूव कर दिया और 19 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है। तो चलिए फाइंड का आपको डायलॉग बॉक्स दिखा देते हैं। डायलॉग बॉक्स नहीं बोल सकते इसको, एक नेविगेशन बटन है। यहाँ पर फाइंड की जगह उन्होंने बदल के नेविगेशन रख दिया था। यहाँ पे येलो मार्क जो है, यानी कि वो वर्ड हमने जो फाइंड किया है यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी जगह पे लिखा हुआ है, किन पेजों में लिखा हुआ है और हेडिंग में क्या है। हेडिंग फिलहाल नहीं बनी हुई है इसलिए हेडिंग नहीं दिखाई गई है। तो यहाँ पे देखिए आप कौन कौन से पेज में लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए अगर पेज में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे येलो मार्क आपको दिखेगा, और इधर रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे दिखेंगे कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। अब पुराने वाले वर्जन में आपको नंबर दिया जाता था, जहाँ पे आपको एरो दिखती थी जिस पे आप क्लिक करते थे तो नेक्स्ट नेक्स्ट जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको रियल टाइम में आपको यहाँ पे नेविगेशन बटन में दिख जाएगा किस किस जगह लिखा हुआ। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे पेज में येलो तो हो ही जाता है, यहाँ पे कैपिटल में यहाँ पे देखिए थोड़ा बोर्ड में हो जाता था। आप यहाँ पे किसी भी बटन पे, जैसे कि हमें इस पर क्लिक करना है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया डायरेक्टली यहाँ पे हमें नेविगेट कर देगा सीधे उस जगह पे। तो अगर आप यहाँ से इसको मिटा भी सकते हैं, इससे पुराने वाले वर्जन में फीचर नहीं था लेकिन नए वाले वर्जन में है कि आप यहाँ से इसको मिटा सकते हैं। आपको कोई चीज़ ढूंढ के मिटानी है तो यहाँ मिटा दिया, जैसे मिटाएंगे दोबारा सर्च करेंगे तो यहाँ एक रिजल्ट कम हो जाएगा। देखिए ये तो यहाँ पे 6 हो गया। इस तरह आप इसको मिटा सकते हैं आसानी से, अगर कोई चीज़ आपको कोई चीज़ डॉक्यूमेंट से ढूंढ के मिटानी है। तो ये फाइंड का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई नंबर ढूंढना है तो आपको सिर्फ उस नंबर को लिखना है, या नंबर ढूंढ के बता देगा। आप आपके पास 1000 पन्ने हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, हम एक 1000 पन्ने भी हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, तो यहाँ पे आसानी से ढूंढ देता है। चलिए हम आपको एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट खोल के दिखा देते हैं जिसमें काफ़ी ढेर सारी फाइलें हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितनी तेज़ी से काम करता है। हालाँकि आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना। तो ये वाली फाइलें हैं, जैसे कि थोड़ा इसको ढूंढ देते हैं। तो ये फाइल में 18 पन्ने की है, तो चलिए यहाँ पे हमको ढूंढते हैं। जैसे कि हमें कादीपुर ढूंढना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इस तरह से, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुल मिला के इन्होंने 37 रिजल्ट ढूंढ दिया। तो आप देखिए कितनी तेज़ी से काम करता। हालांकि इसके लिए आपके सिस्टम को भी थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, और अगर आपके पास SSD है तो ज़्यादा अच्छी तरह काम करेगा, क्योंकि SSD जो है प्रोसेस करने में डाटा को ज़्यादा मदद करेगा और RAM आपकी अच्छी होगी। तो सिस्टम आपके पास 1000 पन्ने भी होंगे तो आप यहाँ पर जैसे टाइप करेंगे, अगर आपके पास ऑफिस 2019 का अपडेटेड वर्जन है तो सिर्फ कुछ सेकंड ही लगाएगा, वो कुछ सेकंड के अंदर ही वो पूरी की पूरी फाइलों को ढूंढ देगा। हालांकि वो फाइल कहीं भी हो, कितनी भी अंदर क्यों ना छिपी हो, 999 पन्ने पर क्यों ना हो और पहले पन्ने पर हो, तो ये उसको ढूंढ देगा। बहुत ही तेज़ी से काम करता है इनका सिस्टम जो है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही नहीं कर सकते, आप यहाँ पे एक वर्ड अगर भी लिखते हैं तो वो भी वो मैच करके बता देगा कितनी जगह पर वर्ड लिखा हुआ। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर रियल टाइम में आपको प्रीव्यू दिख जाता है कि किस जगह पर वर्ड लिखा है, और सिर्फ उस वर्ड को ही नहीं दिखाता, उसके साथ जो लिखे हुए वर्ड रहते हैं उनको भी दिखा देता, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे कि हमें ये चीज़ बदलनी है और हमें पर्टिकुलर इसी चीज़ को ढूंढना था पर हमें पूरा नहीं पता है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे ये हमें यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से आसानी से हम इसको यहाँ से बदल सकते हैं आसानी से। तो ये बहुत अच्छी बात है MS Word 2019 के फीचर में। अब अगले फीचर तरफ चलते हैं जो इसकी तरह ही ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में आपको पता होता है कि पुराने ऑफिस से अगर आप नए ऑफिस में आएंगे तो आपको सारी चीज़ें पता है कि आपको कंट्रोल एफ से क्या होता है, कंट्रोल इस ऑप्शन से क्या होता है, बोर्ड से ऑप्शन से क्या होता है, लेकिन वो ऑप्शन आपको किस जगह पर लोकेटेड है वो नहीं पता, क्योंकि ऑफिस जो है
जो नए वर्जन में कुछ सारी चीज़ों को, वो सारी चीज़ों को नहीं, कुछ चीज़ों को उन्होंने एक दूसरे से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो उसको आपको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए आपको ऑफिस 2019 का हेल्प वाला फीचर बहुत बेहतरीन लगेगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है, आप जो भी चीज़ आपको अप्लाई करनी, जैसे यहाँ पर आपको, अब इसमें अच्छी बात यह है कि ये रियल टाइम में अप्लाई भी कर देता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है बोल्ड। अब आपको नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए बोर्ड का आइकॉन भी आ जाएगा, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए बोर्ड अप्लाई हो जाएगा। दोबारा हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर लिखना है बोर्ड। एक बार आपने सर्च कर दिया तो यहाँ पर रिसेंट वाले में आ जाएगा, और ये अप्लाई करेंगे तो बोर्ड हो जाएगा। आप जो भी फीचर यहाँ पर यूज करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली पूरा फाइंड भी कर देता है। अगर आप पूरे स्पेलिंग नहीं भी लिखेंगे तो भी वो आसानी से सर्च कर देगा। तो यहाँ जैसे हमने इटैलिक लिखी और इंटर किया, देखिए ऑप्शन एक्टिव हो गया। तो यहाँ पर सर्च के लिए आप आर्ट प्लस क्यू यूज़ कर सकते हैं, नया शॉर्टकट है। पहले ये फोन होता था, हालांकि ये फोन अभी भी काम करता है लेकिन वो दूसरी तरीके से काम करता है। ये फोन जो वाला ऑप्शन है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हेल्प के लिए है, मतलब आपको ऑफिस के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है। लेकिन जो सर्च बार है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ये दूसरी तरीके से काम करता है। यहाँ पे आप फंक्शन को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्ड काउंट, आपको नहीं पता कि वर्ड काउंट कहाँ होता है तो इस पर क्लिक करते हैं, ये वर्ड काउंट करके बता देगा। अब वर्ड काउंट ऑप्शन को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी गई हैं। तो आपको लोकेशन काफ़ी सारी है, मशोर 2019 वाले वर्जन बदल दी गई, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता है। लेकिन अगर आपको उनका नाम पता है तो आप आसानी से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं आर्ट ऑफ क्यू दबा के इस तरह से। और यहाँ पे जैसे आर्ट क्यू दबाएंगे ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, जैसे आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट वाले बटन क्लिक कर दीजिए और ये प्रिंट का कमांड एक्टिव हो जाएगा। अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड होगा तो आसानी से प्रिंट के, देखिए प्रिंटिंग कमांड नीचे जाना शुरू हो गया। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट का कमांड नीचे चला गया, इससे आपका क्या होगा, बहुत सारा टाइम आपका बचेगा। तो प्रिंट वाला कमांड हम थोड़ा कैंसिल कर देते हैं सेकंड, नहीं तो जब भी हम प्रिंटर ऑन करेंगे प्रिंट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगर आप गलती से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट का कमांड दे देते हैं और आपका प्रिंटर ऑफलाइन है, मतलब प्रिंटर बंद है, तो वो डॉक्यूमेंट होल्ड पर रहेगा। जैसे आपका प्रिंटर ऑनलाइन होगा वो प्रिंट ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं, यह एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें आपको प्रिंट के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे, उस वाले वीडियो हम आपको बताएंगे। तो अब चलते हैं तीसरे अमेजिंग फीचर के लिए पास, तो रिप्लेस का। जैसे फाइंड का मतलब होता है फाइंड आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप इस नाम को बदलेंगे। ये वाला फीचर आपको, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जैसे कि हम ये बनाते हैं, तो हमें इसमें जो है सिर्फ नाम बदलना होता है और यहाँ पे जो है गांव का नाम बदलना होता है। तो हमें बार बार हर जगह जाकर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हालांकि हम पहले यही करते थे, उसमें हमारा काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन अभी ऑफिस 2016 और 19 के जो फाइंड रिप्लेस ऑप्शन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, और वो इतनी अच्छी तरीके से काम करता है कि आप, जैसे कि हमने यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक स्पेस हमने डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी स्पेस है। अगर हम चाहें तो स्पेस को हटा सकते हैं तो एकदम सट जाएगा। और यहाँ पर हम जैसे नाम बदल देते हैं, अब इनका नाम हम लिख देते हैं जहरा, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम यहाँ पर लिखते हैं और वो नीचे अपने आप ही बदल जाएगा सब जगह। और यहाँ पर जैसे हम इंटर मारेंगे यह हर जगह बदल देगा और हमें रिजल्ट बता देगा कितनी जगह बदल, जैसे हमने रिप्लेस ऑल किया। अब देखिए फाइंडनेस का ऑप्शन यहाँ भी मिल जाता है, जिससे हम मदद से इसको फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये पुराना वाला फीचर है, लेकिन ऑफिस 2019 में फाइंड के लिए एक अलग से फीचर भी डाल दिया गया है ऑफिस, जिसको उन्होंने नेविगेशन का नाम दिया। तो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, और जैसे रिप्लेस करेंगे दिखाएगा पाँच जगह लिखा हुआ है, तो पाँच जगह रिप्लेस कर देगा। और ये देखिए सिर्फ जगह लिखकर आ गया, रिप्लेस हो गया, एक जगह ऊपर भी रिप्लेस किया जिसको हमने कॉपी किया था, तो उसको उसने गिना नहीं था, तो छः बार इसने रिप्लेस कर दिया। अब दूसरी ट्रिक ये है कि जैसे कि हमने रिप्लेस तो कर दिया, अब देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा और स्पेस देना है, तो हम स्पेस थोड़ा बढ़ाना चाहेंगे यहाँ पर। तो हमें पहले नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक, तो सॉरी थोड़ा हमारा नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो इसलिए दिक्कत आ गई थी। तो हमें पहले पूरा स्पेस यहाँ पर देखिए इस वाले ऑप्शन को पूरा आप चाहे तो ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा कंट्रोल सी से यहाँ पर दबा दीजिए और यहाँ पे दोबारा से वैसे पेस करने दीजिए, और यहाँ पे स्पेस हम मिटा देंगे, पूरा स्पेस मिटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए स्पेस हट गया, बिल्कुल स्पेस हट गया। अब देखिए कि जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे BIL जो लिखा हुआ है विलेज, ये आकर यू से जुड़ जाएगा, और यहाँ पर हमने क्लिक किया, आप देन से देख सकते हैं ये जुड़ गया। तो आप इस स्पेस को भी हटा सकते हैं, आपने स्पेस ज़्यादा है कहीं पे, अगर आप स्पेस हटाना चाहते हैं तो स्पेस भी हटा सकते हैं। लाइन चेंज करना चाहते हैं लाइन चेंज कर सकते हैं,
कंट्रोल बी करना चाहते हम बोल्ड इटैलिक करना चाहते तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि अगर हम यहाँ पर कंट्रोल बी दबाते हैं देखिए तो यहाँ पर देखिए फॉन्ट बोल्ड एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर देखिए नॉट बोल्ड फॉन्ट बोल्ड, अगर हम कंट्रोल आई दबा देते हैं तो इटैलिक भी एक्टिव हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप नए वाले वर्जन में कर सकते हैं, हालांकि पुराने में भी कर सकते थे लेकिन पुराने में हमने कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि पुराने वाला फीचर जो था इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता था। उसको हर चीज़ एक पार्टिकुलर वे में चाहिए था, मतलब कि हर चीज़ एक्जैक्ट मैच होती थी तभी वो रिप्लेस करता था। हालांकि इस वाले ऑप्शन में भी अगर आपने किसी चीज़ को रिप्लेस किया और स्पेस का भी अंतर होगा तो रिप्लेस नहीं करेगा, इस वजह से आप काफ़ी सारी दिक्कतें होती कभी कभी। तो एक बार रिप्लेस करने के बाद आप फाइंड वाला नेविगेशन वाले बटन पर यूज़ करिए। फाइंड वाला बटन अच्छा है लेकिन नेविगेशन का फीचर जो है ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड फिलहाल ये वीडियो में इतना ही, अगर आपका कोई सवाल है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और एक चीज़ आपको बता दें, ऑफिस 2019 जो है सिर्फ और सिर्फ विंडो 10 के लिए उपलब्ध है और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह रन नहीं करता। अगर आपके पास विंडो 7 है या विंडो 8.0 है तो आप उसमें ऑफिस 2019 को यूज़ नहीं कर सकते और ऑफिस 2019 के सारे फीचर आप यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि इसका सबसे बेहतरीन फीचर ये भी इन्होंने नया अपना लोगो चेंज किया, हालांकि लोगो इन्होंने बहुत सालों बाद चेंज किया हुआ। ऑफिस 2003 2007 और 2013 2010 2016 में इन्होंने लोगो थोड़ा थोड़ा बदला था लेकिन अभी ने इन्होंने बेहतरीन तरीके से अपना लोगो बदला हुआ है जो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो आपको दिखा देते हैं ऑफिस का नया लोगो। तो इन्होंने ऑफिस के लगभग सारे प्रोडक्ट का लोगो बदल दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इनका लाइन लोगो का डिज़ाइन है, हालांकि आप यहाँ पे मेरे देख सकते हैं या वर्ड का डिज़ाइन है। और अगर आप यहाँ देखें यह पावर पॉइंट का है, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्सेल का भी आपको मिल जाएगा। हालांकि लोगो के साथ काफ़ी सारे नए फीचर भी जोड़े गए हैं, यहाँ पे देखिए एक्सेल का फीचर भी मिल जाएगा। ऑफिस 2019 का भी नया अपडेट आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे नए फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे हम फाइल क्लिक करते हैं यहाँ पर तीन ऑप्शन ऊपर मिल जाएंगे, यहाँ टेम्पलेट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रिसेंट का डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा देखने को, और प्रिंट शेयर का भी ऑप्शन आपको नीचे सारे मिल जाएंगे। हालांकि आप यहाँ पे जो है ऑप्शन वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, अकाउंट ऑप्शन मिल जाएगा, अकाउंट में आप यहाँ पर चाहें तो डायरेक्टली सेव कर सकते हैं वन ड्राइव में अपनी फाइल को, और यहाँ से आप सिंपल है अपने ऑफिस को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन है, यहाँ पर आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, किसी को भी डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन क्लिक करिए और डायरेक्टली यहीं से सेव टू क्लाउड कर सकते हैं, देखिए डायरेक्टली। तो फ्रेंड फिलहाल इस वीडियो में इतना भी, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड वाली बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें जरूर से, ताकि आपको